हे गाइस, सो वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस, जस्ट अभी एग्जाम देके कॉलेज से वापस तो आ चुका था और अभी तो लंच का टाइम हुआ है, तो अभी लंच करते हैं। आज बने दाल चावल, तो अभी मस्त खाते हैं। मैं तो थोड़ा सा निकाल के ले आया, टमाटर बहुत दिख रहे थे। तो गाइस, ये रहे अपने दाल चावल, प्रीमियम खा लो। नहीं खाना है? मैं खा लेता हूँ। गाइस, मैं तो दूसरी बार ले आया, एक बार खा गया पूरा भूख लगी थी, और अब दूसरी बार भी ले आया। देखो वो ये टमाटर पड़े हैं, जो मतलब थोड़े छोटे छोटे नहीं हुए हैं, तो उसको मैं नहीं खा रहा हूँ, साइड में कर दिया उसको। यहाँ पे दूसरी बार मैं खाना ले आया। तो चलो दूसरी बार का खाना भी मस्त खाते। तो गाइस, यहाँ पे मस्त छोटे छोटे बच्चे हैं, घास को मतलब साफ कर रहे हैं। जल्दी जल्दी फटाफट। वहाँ रख दो, वहाँ बस सब बात। वो आगे रखो, आगे 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 आगे, उसको उठा, नहीं नहीं उसको उठा के वहाँ आगे रख दो, वहाँ उस साइड रख दो। हाँ, जो तुम्हारे पैर के नीचे वो थोड़ा उखाड़ लो, तुम्हारे पैर के नीचे है वो बस हो गया, वही सिर्फ साफ कर दो थोड़ा सा। तो गाइस, मस्त अभी खाना पीना हो चुका है। आज खाने में क्या क्या था बताऊँ आपको? आज दाल थी, रोटी, दूध और दही, मतलब बहुत सारा मस्त खाना था। ऐसे तो नहीं होता है। तो मस्त खाना पीना भी हो चुका है, अब मैं इस लोग को करता हूँ एंड। नहीं, एंड नहीं कर रहा हूँ यार, अभी तो मैंने स्टार्ट किया है। अरे कहना क्या चाहते हो? एंड नहीं कर रहा हूँ। तो बाहर का जो घास था, वो जो आपने देखा, तो बाहर का घास वो भी मतलब और भी बहुत सारा है, जो मतलब हमारे आंगन में है। तो ऐसे तो रहने देते हैं हम, लेकिन जो बीच में मतलब थोड़ा बहुत होगा ना, वो हमको हटाना पड़ेगा, वरना कुछ सांप या फिर कुछ भी छोटे छोटे मतलब ऐसे वाले आ जाते हैं। तो बात तो सही है, दौड़ना तो पड़ता है, तो उसको साफ करना पड़ेगा। जब मेरे एग्जाम अच्छी तरीके से खत्म हो चुके, मतलब अच्छी तरीके से मतलब खत्म हो जाएंगे ना, उसके बाद मैं भी करूँगा इसमें कुछ कुछ जो बाकी है काम, वो भी करूँगा। सॉरी गाइस, डेटा चालू है तो बीच बीच में आवाज़ आती रहेगी, तो पहले मैं डेटा बंद कर देता हूँ, ठीक। तो गाइस, अभी मस्त हमने फ़ोन का डेटा बंद कर दिया है, क्योंकि मतलब इसी में कॉल आते हैं, इसी में सब कुछ चलता है ना। तो डेटा चालू अभी रह गया था, थोड़ा बहुत काम कर रहा था मैं, तो भूल गया था मतलब वो करना। तो बाहर का घास है, वो लड़के लोग ने मतलब थोड़ा बहुत साफ किया है। जब एग्जाम मेरे भी ख़त्म हो जाएंगे ना, तो मैं भी वहाँ के साफ करूँगा। फिर हमारे खेतों में जो मतलब भुट्टे के हमारे खेत है, और बहुत चीज़ हमने जो पोई है, तो वो सब काटने का मतलब वो सब मतलब अच्छी तरीके से सब सूख चुकी है। बारिश भी आती रहेगी, मतलब बारिश आती है, कभी नहीं आती, ऐसा होता रहता है। फिर मतलब सर्दियों का मौसम आएगा, तो वो काटने की सीज़न चलेगी, तो फिर वो काटेंगे और मतलब उसको मतलब अपने खेतों में से फिर मतलब जो अपने आंगन है ना, उसमें लाना पड़ेगा। फिर उसमें से हम जो छोटे छोटे बीज भी है ना, वो भी निकालेंगे, उस मकई के भुट्टे को मतलब पीछेंगे, वो बड़ी वाली मशीन आएगी उसमें पीछेंगे, तो उसमें से वो मतलब छोटे छोटे मकई के जो दाने होते हैं ना, वो निकलेंगे, तो फिर मतलब उसका आटा बनता है, तो खाते हैं। और जिसके बाद बहुत सारा ज़्यादा है, वो बेच देते हैं, तो ऐसा होता है कुछ। और दूसरे मतलब दूसरी खेती भी है बहुत सारी, तो वो भी वहाँ मतलब वो भी सेम मतलब सेम जैसे मकई के भुट्टे का साथ भुट्टे के साथ होता है, वैसे सब मतलब वो भी सेम ही सब करते हैं। तो मैं बहुत दिनों के बहुत सारा काम था, तो खेतों में नहीं जा पाया, तो मैं सोच रहा हूँ कि कल मैं खेतों में जाऊँ और आप लोगों को दिखाऊँ कि हमारे खेत कैसे है। गाइस, बहुत ही प्रीमियम मतलब नेक्स्ट लेवल खेत है, मतलब खेत तो खेती होते हैं, लेकिन जो नज़ारा आता है मतलब बहुत ही खूबसूरत आते हैं। खेत है मतलब खेत है, और जैसे ये दो खेत है, तो बीच में मतलब अच्छे से पेड़ है, और नीम के पेड़ है, और वो बोलते हैं ना आम मैंगो, उसके पेड़ है, और बहुत ही मतलब अच्छे अच्छे। तो मैं मतलब गया भी नहीं हूँ काफ़ी टाइम से अपने खेतों में। तो गाइस, कल का व्लॉग आने वाला है खेतों का, और बहुत ही अच्छी तरीके से, तो देख लेना। अब मैं स्टॉप करता हूँ एंड आई होप गाइस आज का व्लॉग आपको पसंद आया, तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट व्लॉग में।
थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, बाय बाय, जय श्री राम, गुड नाइट।